मैं इस समय हूँ मिदनापुर के ग्राउंड में। तीन मंच की तैयारी है, ये तीन मंच वो मंच है जिसे शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा। एक और वो लोग जो दादर अनुगामी होंगे दाई तरफ, बीच में मंच पर आसीन होंगे बीजेपी के आला नेता गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, इसके साथ साथ दिलीप घोष, मुकुल रॉय, ये सारे नेता और शुभेंदु अधिकारी भी आज इस मंच पर दिखेंगे। वहीं बाई तरफ होंगे जिला और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए ये बात सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की है, लेकिन उसके साथ साथ संदेश कितना बड़ा होगा और कितनी बड़ी बात रखने का प्रयास कि अब बंगाल में आज करीब 10 विधायक, सांसद और कई नेता न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के बल्कि कांग्रेस और सीपीआईएम के भी बीजेपी में आज इस मंच से हाथ थाम लेंगे बीजेपी का, और आने वाले दिनों में अपनी पुरानी दलों को छोड़कर आज बीजेपी के साथ नजर आएंगे। पहल में ये एक राजनीतिक दौरा है, आज कई सारे टीएमसी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके संकेत खुद बीजेपी की तरफ से मिल चुके हैं। लेकिन उससे पहले दो मंदिरों में, माँ सिद्धेश्वरी मंदिर में आप खुद मौजूद हैं, वहां पर अमित शाह की पूजा अर्चना, ये किस तरह का संदेश? ये तो बहुत ही एक अहम संदेश है, क्योंकि दो मंदिरों में जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने शुरुआत करनी है यहीं से, सिद्धेश्वरी काली मंदिर पे, काली मंदिर से जहां पर मैं खड़ी हूं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूजा ही